में हमारे जिला पंचायत भी है। भाई साहब क्या चल रहा है क्षेत्र में? अभी करतार सिंह बढ़ाना का ही नाम सबसे ज्यादा आ रहा है, लेकिन इससे पहले देखा जाए कि हाजी और काजी चलता था, अभी क्या संदेश है क्षेत्र के? भाजपा पार्टी जीत चुकी है जी, और हाजी काजी दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे, और यहाँ से अब जनता जागरूक हो चुकी है, सर समाज सबको पता चल गया, जो सरकार है उसी के साथ रहकर क्षेत्र का विकास हो सका। आज तक हमारा क्षेत्र सत्ता के विरोध में रहा, अब गुमराह नहीं होने के, ये सब 36 बिरादरियां तो जाट समाज की थी, सभी बिरादरियों ने अपना मन बना लिया कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताना और भारी बहुमत से जिताना। आप हमारे से ज्यादा जानते हो, पार्टी जीत चुकी। रटी जी, जैसा कि हाजी काजी का ही परचम रहा है, कई सालों से लगातार उन्हीं का राज रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा बदलाव क्या इस बार क्षेत्र की जनता कर पाएगी? विकास के लिए कर रही जनता, गुमराह नहीं होने की हाजी काजी के, उसमें बहुत देख लिया, ये 2.5-3 साल का समय है, सब देखना चाह रहे कि ये सरकार वादे सच्चे करती है तो ये पूरा कर देंगी। और यहाँ के जो नकल विरोधी कानून है हमारी पार्टी ने करा, यहाँ छात्रवृत्ति घोटाले में जेल भेजे तो भाजपा ने भेजे, कांग्रेस ने यहाँ छात्रवृत्ति घोटाले कराए, और जो यहाँ के प्रत्याशी है उन लोगों ने भी मिलकर छात्रवृत्ति खाई है। हमारी पार्टी इस टाइप का भ्रष्टाचार के खिलाफ रहती है, आप देश में देख लो, प्रदेश में देख लो, वो एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस थी, अब की बार दोबारा भाजपा यहाँ पार्टी आई नहीं आई, तो इसीलिए अब सबका विश्वास हो चुका है और अब की बार भाजपा जनता पार्टी जीतेगी। नारसन की लोकसभा, नारसन क्षेत्र की बात हम कर ले, उसमें आपको भारी मत से आपको भी विजय मिली थी, क्या वही प्रचंडता जितना मत मुझे मिला उससे भी ज्यादा अब की बार लोगों में उत्साह है, भाजपा पार्टी के साथ मेरे से भी ज्यादा, जितना मुझे बहुमत मिला उससे भी ज्यादा भाजपा पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है। क्या जनता से क्या अपील करेंगे क्षेत्र की आपकी जनता? जनता से हमारी कोई अपील नहीं, हम प्रधान भी रहे, हम मंडी के डायरेक्टर भी रहे, हम इंटर कॉलेज में मैनेजर भी हैं, आज लोगों के प्यार की वजह से जिला पंचायत भी हम विकास को वो करते हैं, हमारा प्राथमिकता विकास है और मैं कोई बात नहीं चाहता, जाति पाति नहीं मैं मानता। अच्छा एक बेटे छोटी सी एक सवाल है, जाट और गुज्जर का गठबंधन नहीं पहले हो पाता था, उसी वजह से यहाँ पे भाजपा? जाट गुज्जर पहले भी एक थे, अब भी एक है, इसी जगह पर कुछ दूसरे दलों के लोगों ने गुमराह कर जाट समाज को इसी जगह पर एक मीटिंग करी थी धोखाधड़ी से, उसमें दूसरे प्रत्याशी को बुला दिया था, जबकि वह जाट समाज की थी, अब की बार कोई धोखाधड़ी नहीं हुई, जाट समाज की मीटिंग हुई और कह गई हुई, और जाट तो नहीं करी, वो भड़ाना न या हाजी न या काजी ने नहीं कहा, जाट तो ने अपने आप को करी, जो गुमराह करा था उसे स्पष्ट करने के लिए करी। अभी जयंत चौधरी जी का भी कार्यक्रम होने वाला है, चौधरी के आने से और भी बल मिल गया, जब से जयंत चौधरी जी भाजपा पार्टी में आए तो जाटों को भी किसानों को भी मजदूरों को भी ये पता चल गया कि ये भाजपा ही पार्टी अच्छी है, इसीलिए हमारा चौधरी चला गया भाजपा में तो हम क्यों अलग जाऊं, सब एक साथ। तो ये आपकी विधानसभा है, लोकसभा की हम बात करें, लोकसभा में 5 सीटें उत्तराखंड से मिली है, लेकिन अब विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं आपके मंगलोर क्षेत्र में, तो मंगलोर क्षेत्र में इस वक्त हमें हमारे साथ हमारे जिला पंचायत भी थे, उन्होंने भी जानकारी आपको दे दी, मुझे लगता है कि आपको संतुष्ट रहेगी और इनका संदेश आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।